प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के लिए कोपा अमेरिका के दूसरे सेमीफाइनल में टक्कर ब्राजील और मेक्सिको की टीमों में था। मैच के चौथे मिनट में ही इमर्सन ने एक जोरदार शॉट लगाया, मगर कैंपोस ने बेहतरीन बचाव किया और ब्राजील की टीम कोई बढ़त हासिल न कर पाई। थोड़ी ही देर बाद कैंपोस फिर से हीरो थे जब उन्होंने रिवाल्डो के एक जोरदार शॉट को बार के ऊपर उछाल दिया। मैच में ब्राजील की टीम मेक्सिको पर पूरी तरह हावी थी, मगर मेक्सिको की टीम ने भी अपने लिए मौका बनाया। मेक्सिको के ब्लैंको ने अकेले ही ब्राजील के विरुद्ध एक बेहतरीन प्रयास किया, मगर दीदा अपनी जगह पर पूरी तरह से मुस्तैद थी। ब्राजील की टीम सांबा स्टाइल का बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी। हाफ टाइम से काफी पहले बढ़त बनाने में ब्राजील ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। रोबर्टो ने शानदार क्रॉस पास बढ़ाया और गेंद एक बार गोलपोस्ट से टकराकर लौट गई, मगर अमोर्सो ने मौका नहीं गंवाया और टीम को एक शून्य की बढ़त दिला दी। हाफ टाइम से पहले ही रिवाल्डो ने रोनाल्डो को पास बढ़ाया और रोनाल्डो गोल एरिया के बाहर धराशायी हो गए, मगर रिवाल्डो ने पेनाल्टी का इंतजार नहीं किया और एडवांटेज लेकर एक जोरदार दूसरा गोल कर दिया। खेल के दूसरे हाफ में मेक्सिको ने भी एक दो अच्छे आक्रमण बनाए, मगर टीम कोई गोल न कर पाई। फाइनल अब रविवार को ब्राजील और उरुग्वे के बीच होना है।